नमस्कार, कटरा में आपका स्वागत है। मैं चंदन राज। वैष्णो देवी की यात्रा के आखिरी सेगमेंट, मतलब तीन सेगमेंट मैंने बनाए थे, पटना से लेकर दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, कटरा। अब मैं वैष्णो देवी की यात्रा आपको कराऊंगा। आज मैं तैयार हो चुका हूं और आज तारीख है आपको 10 नवंबर 2018। मैं यहां से निकलूंगा, मैं अपने होटल में हूं और तैयार हो चुका हूं। सुबह के 8 बज रहे हैं। अब मैं चलता हूं द्वार पे, भवन के द्वार, जो मुख्य द्वार है वहां पहुंचेंगे। फिर जो रजिस्ट्रेशन पर्ची है उसे दिखाएंगे, सामान चेक होता है, सामान चेक के बाद इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। माता रानी के जयकारा लगाते हुए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी। कटरा मार्केट में सुबह हो चुकी है और मैं चल निकला हूँ भवन की ओर। अभी सफाई वफाई रोड पे चल रहा है, यहाँ से मैं ऑटो लूँगा। ऑटो से भवन तक की दूरी तय की जाएगी। चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये देख सकते हैं कि पहाड़ सामने है माता रानी के। ये भवन का जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, ये नया रास्ता है जो कि जाएगा अर्धकुमारी, लगभग 7 किलोमीटर का ये नया रास्ता। और ये ऊपर में यहाँ से आप देखोगे तो आपको नजर आएगा एक वाइट रंग का मंदिर, वही अर्धकुमारी, जिसकी यात्रा 7 किलोमीटर की पहले हम लोग वो करेंगे। इसके बाद यहाँ जाएंगे, पहले हम यहाँ से ऑटो करते हैं। आई थिंक 2 किलोमीटर का 100 रुपया लेता है लोग। इसके बाद आसमान में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर द्वारा भी माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, जो कि काफ़ी किफ़ायती दर है, लेकिन मिलता बड़ा मुश्किल से टिकट 3 महीना 2 महीना पहले लेना पड़ता है। आसमान में आप देख सकते हैं मुख्य भवन यहाँ चौक से हम लोग ऑटो पकड़े हैं और यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर ये मार्केट रोड है चलते हुए मुख्य द्वार तक हम लोग पहुँचेंगे। और इसका किराया पूरा ऑटो का 150 रुपया होता है। इसमें लगभग 4 आदमी बैठते हैं। सिंगल में थोड़ा सा महंगा आपको जरूर पड़ेगा, लेकिन ग्रुप में ये चीज़ सस्ता पड़ेगा। और ये सुगम साधन है और करीब 5 मिनट से भी कम समय में आप मुख्य द्वार तक पहुँच जाते हैं। हम भवन क्रिकेट पहुँच चुके हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं बाहर, और अभी चढ़ने के लिए हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और वो हम देख लेंगे। इसके बाद सामने आपको दिखाते हैं भवन का द्वार। चलिए डंडे हैं क्योंकि चढ़ने का एक सहारा होता है, तो ये मैं खरीद रहा हूँ अभी, शायद 20 रुपया। कितने का भाई? तो ये 20 का ये पड़ता है और आप उसको लौटा दीजिएगा, जो कि संभावना इसकी कम होती है, तो आपको ये 10 रुपया रिटर्न हो जाता है। तो ये माता जी का ये बांध के जाने में एक अलग उत्साह का संचार होता है, और ये मात्र 5 रुपये में आपको यहाँ पे मिलेगा द्वार के समीप, तो इसका एक अलग आनंद है। चलिए चलते हैं यात्रा से। ये भवन के तरफ जाने का रास्ता, जय माता दी। आप कटरा में हैं और श्री साइन बोर्ड देख रेख करती है। ये मुख्य द्वार है, यहाँ पे से ही माता रानी का शुभ रास्ता होता है और यहाँ से आप जा सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए लोग कितने उत्साही हैं और जा रहे हैं। इसके बाद ये देख सकते हैं लोगों में काफ़ी उत्साह। मुख्य यहाँ पे चेकिंग होता है आपके कार्ड का, इसके बाद बैग चेकिंग होगा, इसके बाद आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जय माता दी, बने रहिए मेरे साथ। चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। अब हम लोग बैग चेकिंग के लिए जा रहे हैं। ये है शहीद, यहाँ गेट बना हुआ है, जिसे एयरपोर्ट पे देखते हैं चेकिंग के लिए, उसे यहाँ चेकिंग होती है। ये उधर महिलाओं की रो है, इधर जेंट्स का रो है,
जमा करवाएं, फिर अपना कार्ड दिखा के ये रास्ते परिवार का उधर लाइन है, परिवार के साथ आप उधर जा सकते हैं सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। एंट्री वहाँ से हमने ले ली है और चल रहे हैं और आज काफ़ी भीड़ है, जैसे कि कल तक भीड़ नहीं था लेकिन आज काफ़ी भीड़ है और करीब 20 से 30 हज़ार श्रद्धालु अभी सुबह सुबह निकल चुके हैं ऊपर, काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ से पहले हम लोग बाण गंगा जाएंगे, यहाँ बाण गंगा जल ऊपर सर रखा जाता है। ये देख सकते हैं खच्चर द्वारा भी लोग और बड़े द्वारा भी लोग जो लोग चढ़ने में चलने में असमर्थ रहते हैं वो लोग जाते हैं। तो देखिए कि आपके मार्केट भी रास्ते में आपको मिलेंगे, खाने के भी मिलेंगे लोग। ये लोग जो आप राइट साइड देख रहे हैं तो ये लोग दर्शन करके लौट रहे हैं, जगह जगह मंदिर भी आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए मोदी और योगी जी की भी तस्वीरें यहाँ पे हैं, यहाँ लोग फोटो खिंचाते हैं। हम आ पहुँचे हैं बाणगंगा और यहाँ गर्मी हो चुकी है और ये देख रहे हैं पीछे प्यारा सा मंदिर है शिव जी का और लोग यहाँ क्लिक कर रहे हैं और यहाँ गर्मी हो जाती है और गुनगुनी ठंडी है की चढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है और चढ़ने का तो जो कुंड होता है चढ़ने के बाद ही मैंने लगभग 1 किलोमीटर की रास्ता तय कर लिया है अभी और चढ़ना बाकी है। जय माता दी। हम लोग चरण पादुका पहुंच चुके हैं, ये प्रथम दर्शन है। ये भव्य मंदिर आप देख सकते हैं, चारों तरफ मार्केट सजी हैं और यहाँ लोग थोड़ी देर रुकते जरूर हैं और भव्य मंदिर आप देख सकते हैं माता रानी का। अब ये देखते हैं सीढ़ियाँ, ये लौटते वक्त सीढ़ियाँ काम बहुत आती हैं कि रास्ता छोटा हो जाता है। और ये नीचे आप देख रहे हैं कटरा का शहर है और ये रहा प्रथम दर्शन। ये देख रहे हैं नीचे कटरा शहर, ये खूबसूरत एक माध्यम है पालकी से भी और वक्त जन लौट रहे हैं और काफी कठिन चढ़ाई है इसलिए इसमें कहा जाता है वृद्ध और पेशेंट वगैरह हैं उनके लिए रास्ता सही नहीं होता। राउंड बॉक्स के द्वारा जय माता दी जयकारा लगातार रहता है, शेड है यात्री शेड जिसमें धूप बारिश भूस में तो बचा होता है, लाइट की भी सुविधा है। मेरा ख्याल है कि चढ़ाई शाम को ही करें और रात तक उतर जाएं क्योंकि देखिए अभी नवंबर का महीना है लेकिन चढ़ाई करने के बाद काफ़ी आपको शरीर में गर्मी लगती है। सीसीडी की भी सुविधा यहाँ पे है और अच्छे से रेस्टोरेंट सारे रेस्टोरेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और बहुत सारी चढ़ाई बाकी है। चलिए पीछे दिखाते हैं, खूबसूरत चिनार का पेड़ आपको नज़र आएगा और ड्राई फ्रूट्स के पौधे सब रास्ते को और खुशनुमा और सुगंधित बनाते हैं, प्यारा सा चिनार का पौधा पेड़।
लगभग 4-4.5 किलोमीटर में चढ़ चुका हूँ। थकान बहुत हो चुकी है और चढ़ाई बेहद मुश्किल है, धूप हो चुकी है, इस कारण गर्मी भी लग रही है। लेकिन माता रानी का बुलावाया है तो ठहरूंगा और उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट होगी। जय माता दी। के यहाँ वन प्राणी भी आपको मिल जाएंगे, देवदार और चीड़ के पेड़ों पे। इससे थोड़ा सावधान होने की भी जरूरत है रास्ते में। सीढ़ी से थोड़ा चढ़ा हूँ और सीढ़ी चढ़ना थोड़ा टफ है, लेकिन थोड़ी दूरी कम जाती है इसलिए। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो अर्थ कुमारी है, वहाँ तक जाना है लगभग 6 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर पे मैं आपसे बात किया था, 1 किलोमीटर और चढ़ चुका हूँ। तो पीछे जो वाइट रंग का है वो अर्थ कुमारी है, जहाँ माँ ने बाल रूप में गुफा में प्रवेश किया था। तो चलिए मिलते हैं जय माता दी। सागर रत्न रेस्टोरेंट और सभी भी, मैं अर्थ कुमारी पहुँच चुका हूँ और देखिए कितना भीड़ है ये। और यहाँ पे ग्रुप में एंट्री होता है, 3-4 घंटे के बाद यहाँ पे आपको मौका मिलेगा गुफा में जाने का। तो मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको। अब देखिए गर्भ भी है, 660 नंबर है और यह आवश्यक हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं पहले से, सुरक्षा जांच के बाद यहाँ से मिलती है। तो ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे पुरानी बाल अवस्था इसी गुफा में छुपी थी और हम लोग जो भवन का रास्ता है यहाँ से भवन जाने के लिए रास्ता देख रहे, नया रास्ता है ये भी आगे जाके मिल जाएगा। नया रास्ता है जो कि ताराकोट मार्ग कहते हैं, अर्ध कुमारी कटरा बहुत साफ सुथरा और नया हुआ है। इसमें एम्बुलेंस की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं भी इसमें है। ये देख सकते हैं यहाँ बंदरों का आतंक होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा इससे बचने की जरूरत है। और देवी द्वार तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ताराकोट से नई सुविधा है इस गाड़ी के लिए, भगवान के पास से भी गाड़ी मिलती है और इससे भी आप आधी दूरी तय कर सकते हैं। जाता है 40 गाड़ियाँ हैं अभी। कोटी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ से भगवान की दूरी 3 किलोमीटर। देख सकते हैं जगह जगह साइन द्वारा ठंडा पानी उपलब्ध किया गया है और ये फिल्टर्ड पानी बिल्कुल निःशुल्क। अब देख सकते हैं सुंदर सुंदर देवदार और चिनार के जंगल। यहाँ से 2.5 किलोमीटर और यात्रा जारी है हमारी, लगभग 2 किलोमीटर और है। वो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, वहाँ लोग को जाना है। ये है रास्ता, वो आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर खाली छत से, हमारे 250 रुपये में। ऊपर साझी छत है,
यात्रा बुकिंग प्री बुकिंग कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से। यहाँ से लगभग 500 मीटर मता जाने के बाद यहाँ पे यात्री पर्ची जमा करनी होती है, उसके बाद ग्रुप नंबर मिलता है तो एंट्री होती है। हम लगे हैं लाइन में, एक्सप्रेस भी लंबी लाइन है। अब भवन हम लोग पहुँच ही रहे हैं, 250 मीटर होगा। और ये मैंने टिकट पे मोहर भी लग गई है, उसके बाद अब माता रानी के दर्शन, जो अब लाल जो देख रहे हैं बस उसी के बगल में माता रानी का बहुत दिन ज़्यादा है। ये प्रसाद काउंटर है, यहाँ से प्रसाद आप ले सकते हैं, उससे रेट भी लगा हुआ है। लॉकर रूम में अपने बहुत सामान आप रख दीजिए, मोबाइल वोबाइल जितना भी है सब यहीं जमा हो जाता है। उसके बाद पैर हाथ धो के इसके बाद आपको मैं वीडियो थोड़ी देर बाद दिखा पाऊंगा, क्योंकि अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं। ये आप देख सकते हैं नजारा माता रानी का। अब दर्शन करके मैं आता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। अभी मैं लाइन लगाऊंगा प्रसाद के लिए, एक काउंटर तो बंद हो चुका था। यहाँ पे साइन बोर्ड के तहत प्रसाद दिया जाता है 40 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये, 31 रुपये में चुंदरी, अलग अलग कैटेगरी का प्रसाद है। और आपको मैं थोड़ी देर दिखाऊंगा कितना अच्छा पहाड़ के सामने बादल लगे हैं। बहुत अच्छा दर्शन हो गया है, यहाँ ठंड काफी बढ़ गई है और हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। और एक चीज़ और दिखाएंगे, यहाँ रोपवे की तैयारी हो रही है, उसको मैं दिखाता हूँ। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ और अच्छे खूबसूरत पहाड़ आप देख रहे हैं। और ये सुबह से हमने जल से पानी पे यात्रा पूरी की, भोजनालय में काफी भीड़ था और रेस्टोरेंट में भी भीड़ था। अब देखते हैं कहाँ कुछ खाने हल्का फुल्का मिले, तो जल्द से जल्द नीचे जाने का वो है। तो चलिए हम लोग नीचे आ गए हैं, कुछ ही 1 किलोमीटर से कम रह गया है। लगभग 12 घंटे में साइकिल 12 घंटा में पूरी कर लिए। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जो पर्वतों से ऊँची पर्वतों से कलकल करती धारा, ये मंदिरों से एकदम फ्रेश और शुद्ध पानी पर्वतों से, इस पानी की खासियत में ढेर सारे खनिज तत्व रहते हैं, अगर इसे रिफाइन कर दिया जाए तो काफ़ी लाभ हो सकता है, सीधे पर्वत से आ रहे हैं। अभी मुखदार पर मैं पहुँच गया हूँ और यात्रा काफ़ी अच्छी रही। अब यहाँ से होटल, और ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।